सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में स्वागत है आप सभी लोगों का। तो इस वक्त मैं अपने कॉलेज में आ रखा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे, फाइनली 3 साल कॉलेज का पूरा हो चुका है, तो जो डॉक्यूमेंट्स लेने थे मैंने ले लिए हैं। अब आप लोगों को चलिए मैं पूरा कॉलेज घुमाता हूँ, और मेरा तो यहाँ पर अब टाइम ख़त्म हो गया, अब आप लोग को आना है, तो आप लोगों को मैं पूरा कॉलेज एक बार घुमा देता हूँ। ये दोस्तों कॉलेज का जो है फ्रंट साइड है, और आपको लेफ्ट हैंड साइड में केमिस्ट्री लैब है, जहाँ पे काफ़ी टाइम हमने गुजारा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फ्रंट साइड है, और जहाँ पे उस साइड आप देख सकते हैं जहाँ पे बैनर लगा है उधर एडमिन का ऑफिस है, और ये जो है ये है फ्रंट लॉन। तो यहाँ पे लंच के वक्त काफ़ी अच्छा टाइम पास हो जाता था। तो एक बार आपको मैं पूरा 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ, पूरा फ्रंट लॉन का है, और ये है कॉलेज का फ्रंट साइड, और ये है अपना आम का पेड़। प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो मैं अब प्रैक्टिकल के लिए जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिकल कैसा जाता है, काफ़ी दिनों बाद प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे हैं। खैर, इसमें तो आज हमारा प्रैक्टिकल नहीं है, दूसरे लैब में है, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, बाकी फ्रेंड्स अभी वहीं पे हैं। साइलेंस प्लीज। सो ये रहा कॉलेज का प्लेग्राउंड। बाकी कॉलेजेस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको छोटा ही दिखेगा, बट जो है सो है। तो ये प्लेग्राउंड है, और फ्रेंड्स इस कॉलेज का नाम, जैसा कि आप सभी को पता है कि आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, तो इस कॉलेज का नाम मॉडर्न इंडिया के ग्रेट रिफॉर्मिस्ट और एजुकेशनिस्ट आचार्य नरेंद्र देव के नाम पर रखा गया है। और इस कॉलेज की स्थापना जो है वो सन 1991 यानी कि 1991 में किया गया था। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैंने बता दिया है दोस्तों। ये बैक साइड है कॉलेज का, यहाँ पे सामने आपको टूटा हुआ बैडमिंटन का वो कोर्ट दिख सकता है, तो ये बैक साइड है। और अभी तो वैसे कॉलेज बंद है ना, मैं तो सर्टिफिकेट के लिए आया था, तो आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त आप लोगों को, मतलब क्योंकि कॉलेज बंद है तो सिर्फ टीचर्स स्टाफ जो हैं वही दिखेंगे, और कुछ मेरे जैसे बच्चे दिखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे आ रखे। बाकी मैं आप लोगों को पूरा कॉलेज एक बार घुमा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये अपने कॉलेज का लाइब्रेरी है जो कि अभी बंद पड़ा है, सो मैं अंदर अभी नहीं जा सकता हूँ। फ्रेंड्स, आप सामने देख सकते हैं जूस कॉर्नर बंद पड़ा है, क्योंकि अभी ये खुला रह के भी कोई फ़ायदा है नहीं, कॉलेज जो है वो क्लोज है। और ये है कैंटीन एरिया, और इधर भी आप देख सकते हैं कि पूरा बंद पड़ा हुआ है। Thank you.
सो फ्रेंड्स, अब मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि कॉलेज में ज़्यादा देर रुकना मना था। आई थिंक इग्नू का एग्ज़ाम चल रहा था तो कॉलेज का इंस्ट्रक्शन था कि आप ज़्यादा देर इधर उधर घूम नहीं सकते हैं, जिस काम से आए हैं आपको वहीं पर रहना है और काम होने पर चले जाना है। तो मुझे डॉक्यूमेंट लेना था, तो डॉक्यूमेंट लेने के बाद मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाया, तो मुझे मेट्रो स्टेशन जाना है घर जाने के लिए। सो यहाँ पे जो सबसे पास में जो मेट्रो स्टेशन है वो है गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन और नेहरू एनक्लेव मेट्रो स्टेशन, और मुझे नेहरू एनक्लेव जाना है। और लोटस टेम्पल भी पास में है, तो आप लोगों को अगर जब भी कॉलेज से टाइम मिले तो आप वहाँ पर भी जाके घूम सकते हैं। और मैं इस वक्त जा रहा हूँ नेहरू एनक्लेव, जो कि मैजेंटा लाइन पर है, और गोविंदपुरी वॉयलेट लाइन पर, और ये सबसे दो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। फ्रेंड्स, ये है कॉलेज के पास का गुरुद्वारा, और इसी गुरुद्वारे वाले गली में आगे जाकर कॉलेज आता है। फ्रेंड्स, मैं नेहरू एनक्लेव मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूं और मेट्रो के आने का इंतज़ार हो रहा है। देखते हैं कब आता है, वैसे टाइम दिखा रहा है 3 मिनट, तो मुझे 3 मिनट वेट करना पड़ेगा। सो अब मुझे यहां से डाबरी मोड़ तक जाना है, जो मेरे घर के पास का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, और ये मैजेंटा लाइन पर पड़ता है। तो ये आप लोग भी याद रखें अगर आपका भी इसी रूट पर पड़ेगा तो।